रेस्टोर नहीं हुई, बहुत गति से आने का भी उद्देश्य यह है, सीधा संवाद करूं मौके पर। ये तो संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का रियायत नहीं मिल रही है सीनियर सिटी। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको जी। ऐसा है कि कोविड के टाइम पे जान है तो जान है, हम सब ने मिलकर के प्रधानमंत्री कोषों पैसा जमा कराया और देश में विश्व में एक नया इतिहास रचाया। ट्रेन आपके खान पान बनता, पेट्रोल बनता, वो सब रेस्टोर हुआ। अभी भी मैंने पूछा कि कौन कौन सी ट्रेन रेस्टोर नहीं हुई, बताओ मुझे, नोट कराओ। तो पता चला कि एक्सप्रेस सब रेस्टोर हो गई हैं। दो पैसेंजर मैंने कि इनको भी, चूंकि संसदीय क्षेत्र है तो वो भी रेस्टोर करनी है। सीनियर सिटीजन वाला मामला थोड़ा सा वेट करिएगा। जब पटरी पर अब चूंकि एक चीज है, मैं वही है ना, उन नेताओं में से नहीं हूँ। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं डिसीजन अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं इस मीटिंग में, हर मीटिंग में रखा है और फिर पुनः इस मीटिंग में रखूंगा। और प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, मंत्री महोदय भी चिंतित हैं। त्योहारों पे टिकट जो है, प्लेटफॉर्म टिकट जो है, 50 रुपए में हो गए, जनता को इसका जो है मार झेलना पड़ा। ये भी नजर में आया है मेरे। हाँ, ये बहुत सारी जगह चेंज किया है, आपके यहाँ चेंज नहीं हुआ? त्योहार के बाद हो गया ना, चेंज हो गया, लेकिन 50 रुपए लोगों के, 50 रुपए तो निकल गए। अच्छा, 50 रुपए निकल गए तो फिर आपको वो 5.5 दशक वालों को भी साथ लेना पड़ेगा कि उन्होंने सब कुछ देश लूट लिया तो अब चले गए, तो आने वाले की चिंता करनी है। यात्री सुविधाओं को लेकर क्या कुछ नया करने जा? मैं पैसेंजर सर्विस कमेटी, यात्री सेवा समिति, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड भारत सरकार का चेयरमैन हूँ। 24 सदस्य टीम है मेरे साथ और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति वर्ग का होते हुए भी पुनः चेयरमैन बनाया है। और मेरा कार्य क्षेत्र है संपूर्ण भारत की ट्रेन, संपूर्ण भारत का स्टेशन, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड, मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक यात्रियों की सेवाओं की चिंता को करना मेरा दायित्व तो है। और मैंने पिछले टाइम पर नो बिल नो पेमेंट एक नया इतिहास लिखा। और इतना ही नहीं, असली साहित्य न बिके इसकी भी चिंता की और बेन भी किया। यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे। यशस्वी प्रधान माननीय मोदी जी ने भारतीय रेल को एक विकास का पहिया भी कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम भी है। और देशाटन का माध्यम होते हुए भारतीय रेल में जो लोग कतराते थे, घबराते थे, आज भारतीय रेल वंदे भारत जैसी ट्रेन से, हवाई जहाज जैसी यात्रा कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास स्टेशन, वर्ल्ड क्लास आपके कोचेस, ये सारी एक चहुमुखी विकास, आधुनिक सौंदर्यीकरण देखने को मिल रहा है। ये माननीय मोदी जी की देन है। और श्री अश्विनी वैष्णव जी बड़ी तीव्र गति से, एक आह्वान ही नहीं, एक गतिशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मेरा भी इस दायित्व को निर्वहन करते हुए 4 दिवसीय प्रवास पर आया हूँ और संसदीय क्षेत्र चुनाव में भी मुझे यहाँ रहने का मौका मिला था। और मैं गौरवान्वित हूँ कि अध्यक्ष महोदय, उनकी टीम ने आज भव्य मेरा जो स्वागत किया, सम्मान किया। मैं अभिभूत हूँ कि संसदीय क्षेत्र माननीय मोदी जी, जिन्होंने विश्व में एक नया इतिहास लिखा, जिस देश में सुई नहीं मिला करती थी, आज संकल्प से सिद्धि की तरफ आत्मनिर्भर भारत बन चला है। श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत बने। और एयरक्राफ्ट, वंदे भारत जैसी ट्रेन, ये सारी चीज़ें जो बाहर से आयात होती थी, आज भारत में देखने को मिल रही हैं। ये सच प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की देन है। पानी सब जगह में प्रॉपर, पीने का पानी प्रॉपर स्टैंडर्ड उसका मेंटेन रहे, उसकी चिंता करता हूँ जी। लास्ट क्वेश्चन, बेगमपुरा यहाँ काशी से वैष्णो देवी जोड़ने वाली ट्रेन है, क्या इस दिशा की ओर कई ऐसी ट्रेनें? जिन ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, असुविधा की प्रॉब्लम है, उनको भी हम नोटिंग करके बोर्ड की मासिक बैठक में रखते हैं। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँचे, खान पान उनको बढ़िया मिले, तरीके से मिले, इसका चिंता करने का कार्य मेरा दायित्व है, इसका निर्वहन कर रहा हूँ। अभी आपके साथ कितने सदस्य यहाँ? 8-4 सदस्य मौजूद हैं। सर, पीएम के संसदीय क्षेत्र में शिवपुरी स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है, पानी की भी सुविधा वहाँ पे नहीं है, रात में जो प्लेटफॉर्म पे लाइटें नहीं जल्दी मिलती हैं, घटनाएं। ये मेरा आग्रह आपसे फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरा नंबर है 9717647676। लाइट का भी और थोड़ा सा कंप्लेंट मुझे डाल दीजिएगा, मैं भले ही उसका निरीक्षण न कर पाऊँ लेकिन दिल्ली से फ़ोन करके मैं उसे जानकारी ही नहीं करूँगा, निस्तारण करूँगा। आगरा है, पटना के बाद जैसे राजेंद्र नगर है, वैसे ही वाराणसी के बाद शिवपुर है। वरुणा पार की आधी से ज़्यादा आबादी कैंट मड़ुआडी जाती है, बनारस स्टेशन ट्रेन पकड़ जी, बड़ी ट्रेनों का ठहराव हो जाए दिल्ली और लखनऊ का, ये फुटफॉल का होता है तरीका।
क्योंकि सभी जगह ट्रेन रुक है। स्टेशन पर ठोकर न खानी पड़े इसके एक एक चीज के चिंता बारीकी से करने का कार्य किया है। और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेसी लेफ्टिस्ट कहते हैं कि रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, अरे कम से कम जिनके शीशे के महल होते हैं वो दूसरों को पत्थर मारना था छोड़ दो। जात पंत की खेती पैदा करने वालों, आतंकवाद नक्सलवाद की खेती पैदा करने वालों, किस मुंह से बात करते हो? जातवाद तो तुमने पैदा किया ना। और मैं तो कहता हूं अरे कम से कम राहुल गांधी अपने मरहूम दादा की कब्र पर चादर चलाने चला जाए। फिर गांधी की बहुत तुष्टिकरण की नीति करता है, दादा याद नहीं आता? ये पहली पार्टी है जिसमें सब लोगों को कहा है कि देश की व्यक्ति और शक्ति से कोई भी अलग, कोई भी असमानता के दायरे में नहीं रहेगा, सब मिलकर के रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे, सबका विकास चाहिए, सबों की विकास चाहिए। इसलिए साथ मैं आप सब लोगों का चुके ग्रहण भी लगने वाला है। और मैं यही कहते हुए कि मुझे आज अध्यक्ष जी हमारे हंसराज विश्वकर्मा जी बहुत ही सौम्य सरल एयरपोर्ट से लेकर के साथ है। और स्टेशन पर यह क्या क्या चीज चाहिए, अभी मैं 5 दर्जन बेंचेस और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए आया हूं। आपके सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य यात्रा करें ऐसी चिंता करने के लिए आया, 4 दिवसीय प्रोग्राम पर आया हूं। और जो जाकर के मुझे वहां एयरपोर्ट पर भी सम्मान दिया, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः पत्रकार चौक ग्रहण पड़ने वाला है, बार बार मेरे घर से घंटा बज रहा है कि ग्रहण में जाऊं घुसो अंदर जाकर के, तो हमें उस वैज्ञानिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से उसका पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।